तुम उन देवों की तरह नहीं हो जो अब तक मैंने मारे। आदि पुरुष से मिली बड़ी खबर जानने, कब रिलीज होगा फिल्म से जुड़ा प्रभास का लुक। लगातार इन दिनों बाहुबली स्टार प्रभास अपनी मोस्ट अवॉइडेड फिल्म सालार को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म से हर अपडेट जानने को बेताब फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अभी तो इस फिल्म की शूटिंग पूरी भी नहीं हुई है और अब हाल ही में प्रभास की दूसरी अपकमिंग फिल्म को लेकर खबरें आना शुरू हो चुकी है। यह फिल्म कोई और नहीं बल्कि प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष है। फिल्म से अब हाल ही में एक बड़ी खबर जानने को मिली है। खबर है कि इस फिल्म में अब जल्द ही प्रभास का लुक रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के पहले लुक को जन्माष्टमी के दिन रिलीज किया जा सकता है। बता दें कि फिल्म से ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हो चुकी है। टीजर के बाद फैंस अब इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। आदि पुरुष एक पीरियड फिल्म है जिसे वाल्मीकि की रामायण से एडॉप्ट किया गया है, जिसमें प्रभास आदि पुरुष राम के किरदार में नजर आएंगे। वहीं सैफ अली खान रावण की भूमिका में नजर आएंगे। कृति सैनन इस फिल्म में सीता के किरदार में दिखेंगी। इसे डायरेक्टर ओम राउत कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस फिल्म का लगभग बजट 500 करोड़ का है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म हो सकती है। फिल्म में प्रभास, कृति सैनन और सैफ अली खान के अलावा देवदत्त नागे भी मुख्य किरदार में है। बात करें रिलीज डेट की तो इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को रिलीज किया जाएगा। खास बात यह है कि इस फिल्म को 3D में भी रिलीज किया जाएगा। खबर है कि आदि पुरुष 15 भाषाओं में रिलीज होगी, जिसमें इंडिया की रीजनल भाषाएं और अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं शामिल है। इसे जापानी और चीनी जैसी विदेशी भाषाओं में भी डब किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसे दुनिया भर की 20,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाना है, जो अब तक की भारतीय सिनेमा को मिली सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। आदि पुरुष के अलावा प्रभास फिल्म सालार में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ श्रुति हसन लीड रोल प्ले करेंगी। साथ ही वह बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण के साथ प्रोजेक्ट के में भी नजर आएंगे।